एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। जैसे कि हम इन वीडियोस में क्लास 12 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लिया था। ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी सेल टी सेल, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है और वैक्सीनेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, एक्वायर्ड मतलब हम अपनी लाइफ में उस चीज को एक्वायर्ड करते हैं, उस इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करते हैं। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हमारी पैथोजन स्पेसिफिक होती है, पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक मतलब कि हर एक अलग अलग पैथोजन के लिए, जैसे मान लीजिए पैथोजन ए है और पैथोजन बी है या पैथोजन सी है, तो इन सारे पैथोजेंस के लिए हमारी इम्यूनिटी जो होगी वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेगी, अलग अलग तरह से बी सेल्स बनाएगी, इसलिए हम बोलते हैं इसको पैथोजन स्पेसिफिक। अब ये पैथोजन स्पेसिफिक बी सेल्स बनाएगी, अब ये क्या करती है, किसके बेस होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के मेमोरी पे बेस होती है, ये हमारी इम्यून सिस्टम के मेमोरी पे बेस होती है। अब इसमें हमारी जो होती है लिम्फोसाइट्स वर्क करते हैं, लिम्फोसाइट। अब हम लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो हमारे पास मेन बी सेल है एंड टी सेल है। अगर बी सेल को देखते हैं तो बी सेल हमारी क्या बनाएगी, आर्मी प्रोटीन बनाती है जिसे हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। अभी एंटीबॉडीज कई सारी हो सकती है, जी हो सकती है, ए हो सकती है, एम हो सकती है, ई हो सकती है, ए हो सकती है, आगे देखेंगे। और टी सेल क्या करती है, टी सेल हमारी कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाती, टी सेल हमारी कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाती, बट ये क्या करती है, हेल्प करती है, हेल्प करती है किसकी, बी सेल की, टी लिम्फोस बी सेल की एंटीबॉडीज बनाने में। अब मेमोरी होगी, अब बॉडी की मेमोरी मतलब इम्यून सिस्टम की मेमोरी रिस्पॉन्स पे वर्क करती है। अब रिस्पॉन्स हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स हो सकता है एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो सकता है। अगर हम प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर हमारी बॉडी में वो पैथोजन, मान लीजिए ए हमारी बॉडी में आया, अब हमारे बॉडी ने जो सबसे पहले रिस्पॉन्स दिखाया, रिस्पॉन्स किया, वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्स कहलाएगी। इसके बीच में क्या होगी, हमें हमारी बॉडीज में उससे रिलेटेड मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी। कैसे होंगी आगे देखेंगे। अब ये मेमोरीज क्रिएट हो गई, अब सेम पैथोजन, ए जो पैथोजन था, फिर से हमारी बॉडी में इंजेक्ट होगा, उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जैसे कि देखिए हमने बोला कि जो हमारी प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स होती है वो हमारी लिम्फोसाइट के थ्रू होती है। हमने किस लिम्फोसाइट की बात की, बी लिम्फोसाइट की बात की और टी लिम्फोसाइट की बात की, जिसमें हमारी बी लिम्फोसाइट क्या काम करती है, आर्मी प्रोटीन बनाती है जिसको हमने एंटीबॉडीज कहा, और हमारी टी सेल्स क्या करती है, टी सेल्स हमारी कोई भी एंटीबॉडी सीक्रेट नहीं करती पर क्या करती है, हेल्प करती है किसकी, बी सेल्स की। चलिए फिर हम जानते हैं कि हमारे सारे सेल्स हैं जो हमारे ब्लड में सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, हमारे जितने भी लिम्फोइड्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स, ये सारे ही हमारे स्टेम सेल्स से बने हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेम सेल्स जनरेट करती हैं। आप स्टेम सेल्स जनरेट करती हैं, स्टेम सेल्स हमारी बोन मैरो में, ओके, इन बोन मैरो। ध्यान से देखते हैं, अब जो ये हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, इसमें जो सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं स्टेम सेल्स में जो बोन मैरो में है, आप कुछ माइग्रेट करके हमारी थाइमस में आ जाती है। क्या करके, मान लीजिए उन्होंने माइग्रेट किया, वहां से आके माइग्रेट करके थाइमस में आ गए। अब थाइमस में आके ये मैच्योर हुए जो लिम्फोसाइट्स हैं। अब अगर थाइमस में आके मैच्योर हुए हैं तो उन्हें हम टी सेल्स बोलेंगे।
ये टी वर्ड थैमस से ही आया है। ओके जो और कुछ बचे हुए जाहिर सी बात है कुछ माइग्रेट करेंगे तो कुछ माइग्रेट नहीं करेंगे, जिन मतलब कि वो वही के वही रह जाएंगे, रिमेन एट दैट प्लेस। आप वही रह जाएंगे और वही मैच्योर होंगे, मींस मैच्योर होंगे कहां पे, बोन मैरो में, तो हमारी बी सेल्स बनाएंगी। अब जैसे कि हमने अभी पहले स्लाइड में देखा था, टी सेल्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसकी, बी सेल को एंटीबॉडीज बनाने में। अब बी सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी। अब जो ये टी सेल्स हैं, टी सेल्स हमारी हेल्प करती हैं सी एम आई। अब ये सी एम आई क्या है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड मतलब सेल के थ्रू ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी, और बी सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज कहां होंगी, एंटीबॉडीज हमारी ब्लड में होंगी, तो ये हमारी ब्लड मींस ये हमारी कहां होंगी, स्किन। ये हमारी ब्लड में होंगी तो ये हमें प्रोवाइड करेंगी ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हम सेल इम्यूनेटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर हम सेल इम्यूनेटेड इम्यूनिटी की बात करें, ये हमारी ग्राफ्ट इजेक्शन में या ग्राफ्ट इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ग्राफ्ट इजेक्शन मीन्स मान लीजिए हमने किसी एक पर्सन की किडनी ली और दूसरे पर्सन में इंजेक्ट करने की कोशिश की, तो आप यहां पे एंटीजन एंटीबाइंडिंग का रिएक्शन होगा। अगर मैच कर गई तो ये क्या करेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, अगर मैच नहीं की तो रिजेक्ट कर लेगी। तो इस प्रोसेस और इसके लिए जो कारण होता है, जिसका वजह होती है, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और इम्यूनिटी तो मैं आपको बताएंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए हमने अभी प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात की थी, मान लीजिए कोई इंटीजर है, इंटीजर ए है, इंटीजर बी है और इंटीजर सी है। अगर हम बी सेल्स की पहले बात करते हैं, जैसे मैंने बताया बी सेल्स ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। अब एंटीजर हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ, मींस आया किसी भी थ्रू, अब ये क्या करेगी, हमारी पहली बार इंटीजर आ रहा है तो हमारा पहला रिस्पॉन्स शो होगा। अब पहला रिस्पॉन्स शो होगा तो बी सेल कैसे रिस्पॉन्स शो करता है, ये एंटीजन आया और बी सेल एक्टिव हो गई। अब बी सेल एक्टिव कैसे होती है, अगर हम बात करते हैं बी सेल की, तो हमारे बी सेल के सरफेस पे हमारे एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर होते हैं। ये एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर है जिसको हम वाई शेप बोलते हैं, इसको आगे देखते हैं। अब ये क्या करेंगी, मान लीजिए कोई बी आया या सी आया, तो किसी एक एंटीबॉडी को एक बी सेल को कवर करेगा और ये क्लोन बनाना शुरू कर देगा, मींस अपनी क्लोनिंग शुरू कर देगा। क्लोनिंग मींस कई सारे बी सेल्स बन जाएंगी अब यहां पे, किसके लिए, पर्टिकुलर बी के लिए। इसीलिए मैंने कहा था ये पैथोजन स्पेसिफिक है। अगर मान लीजिए हमारी सी आई होती तो ये सी के लिए सारी हमारी एंटीबॉडीज हमारी बी सेल्स पॉलीफ्रेट होकर क्लोन बनाती, बट अभी हमने क्या लिया है, बी एंटी पैथोजन लिया है। अगर बी पैथोजन लेंगे तो ये बी के लिए हमारी क्या बनाएंगी, बी सेल्स बनाएंगी। आप कुछ पॉलीफ्रेट, जैसे मान लीजिए क्लोन हो गया, क्लोनिंग हो गई, क्लोन होकर कुछ हमारी इसमें हमें प्लाज्मा सेल्स देती हैं और कुछ हमारी सेव कर ली जाती हैं जो कि हमारी मेमोरी बनाती हैं। हमने भी बात की थी कि प्राइमरी रिस्पॉन्स के होने के बाद हमारी मेमोरी जनरेट होती है। अब हमारी बी सेल्स क्या करेंगी, कुछ मेमोरी सेल्स में
तब्दील हो गई और ये सेव हो गई बॉडी में। और प्लाज्मा में क्या हो गई, प्लाज्मा सेल्स ये कन्वर्ट हो गए, प्लाज्मा सेल क्या कन्वर्ट हो गए, हमारी एंटीबॉडी सीक्रेट कर देंगी, एंटीबॉडी सीक्रेट कर देंगी और पैथोजन से फाइट करेंगी। नाउ ये तो हो गई बी सेल की बात, मींस हमारी एच आई आर की बात। अब हम बात करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सीएमआई के बारे में। अगर हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो जो हमारी एंटीजन है, अब हमारे बॉडी में क्या होता है, मैक्रोफेजेस होता है। अब जैसे मैक्रोफेज है, अगर हम मैक्रोफेज का अगर स्ट्रक्चर ध्यान दें, तो मैक्रोफेज का स्ट्रक्चर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये एम्बॉइड शेप का होता है, अलग अलग शेप का होता है। अब इस पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पाई जाती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब इनका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे किसके लिए, टी सेल्स के लिए या बी सेल्स के लिए। अब ये अपना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, अब यहां पे हमारा क्या आएगा, पैथोजन आके बाइंड होगा। पहले तो मान लीजिए हमारे यहां पे आके पैथोजन बाइंड हो गया, अब ये क्या करेंगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, अब ये क्या करेंगी टी, जो हमारे टी सेल्स हैं, यहां हम इनको टी हेल्पर सेल्स कह सकते हैं, ये आके यहां इसको पहचान लेंगी और पहचानने के बाद अपना वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। अब कैसे वर्क करती हैं ये देखते हैं। अब मान लीजिए ये एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स थी, जैसे कि हमने बताया मैक्रोफेज, इसने एंटीजन को पकड़ा, पहला रिस्पांस हुआ, इसने एंटीजन को क्या किया, इंगल्फ कर लिया। अब ये क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी हमारे कौन कौन से सेल्स को, साइटोटॉक्सिक सेल्स को और हेल्पर टी सेल्स को, ठीक है। अब हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगी, जैसे बी सेल्स ने मेमोरी में बनाई थी, अब ये भी हमारे क्या करेंगी, मेमोरीज जनरेट करेंगी, ये मेमोरीज देख रहे हैं आप, ये हमारी क्या हो गई, मेमोरी साइटोजेनिक सेल्स हो गई। अब मेमोरी यहां जनरेट हो गई, अब ये जो दोनों मेमोरी सेल्स बनी है ये फर्दर किसके लिए हेल्प करेंगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करेंगी। अब जैसे कि जो टी सेल्स थी वो स्टिमुलेट किसको कर देंगी, साइटोकाइन टी सेल्स को, ये एक्टिव कर देंगी और इनकी भी कुछ ना कुछ मेमोरी सेल्स बन जाएंगी, मेमोरी सेल्स बन गई। अब ये सारी मेमोरी सेल्स हमारे बॉडी में ही रहेंगी जब हमारा सेकेंडरी बाहर पैथोजन, सेम पैथोजन मींस पैथोजन बी हमारा बॉडी में आएगा तो ये हमारा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। अब ये टी सेल क्या करेगा, टी सेल लाइसिन करेगा, किसका, इन्फेक्टेड सेल का, और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है, कैसे कैसे, बी सेल से और टी सेल्स, कुछ नहीं, हमें पहले एंटीजन आएगा, बी सेल और हेल्पर टी सेल मतलब साइटोकाइन टी सेल्स ये क्या करेंगी, मेमोरी जनरेट करेंगी, मेमोरी जनरेट करने के बाद मेमोरी हमारी बॉडी में सेव हो जाएगी, हमारे इम्यून सिस्टम में सेव हो जाएगी, जो हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्स को वर्क करेंगी, और बी सेल्स कुछ बी सेल्स हमारी प्लाज्मा जो एंटीबॉडीज बनाएंगी और कुछ हमारी क्या करेंगी, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेंगी, लाइसिन करेंगी मतलब कि उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी। ना आप देखिए, जैसे हमने इस रिस्पॉन्स की बात की थी, प्राइमरी रिस्पॉन्स की और सेकेंडरी रिस्पॉन्स की, ये क्या है, रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट पैथोजन। किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, मान लीजिए ए पैथोजन के लिए, और यहां पे हमने बी पैथोजन ले लिया। अगर हम इस फिगर के ध्यान से देखें तो मान लीजिए हमारी बॉडी में सबसे पहले, हमारी बॉडी में सबसे पहले ए पैथोजन आया। अब ये ए पैथोजन आया तो क्या होगा, हमारा पहले क्या होता है, पहले हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, कौन सा रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स तो आप ध्यान देंगे इसकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत ही स्लो है, आप देख पा रहे हैं बहुत ही स्लो है, मीन्स ये स्लो रिस्पॉन्स शो करता है। बट अगर आप दूसरा रिस्पॉन्स देखेंगे, फिर से मान लीजिए हमारी वही सेम एंटीबॉडी मीन्स एंटीजन ए हमारा फिर से बॉडी में सेकेंड टाइम आया, तो हमारी अब तक की क्या हुई थी, यहां पे हमने अभी पीछे वाले वीडियो में देखा था या पीछे वाले स्लाइड में हमने नोटिस किया था कि हमारी मेमोरी जनरेट हो चुकी थी,
ठीक है। अब मेमोरी जनरेट हुई, सेकेंड टाइम कोई पैथोजन मान लीजिए ए आया, तो उसने बहुत ही फास्ट रिस्पांस दिया क्योंकि उसके लिए हमारी बॉडीज में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी थी। अभी बन, पहले तो बन रही थी तो स्लो स्लो धीरे धीरे काम कर रही थी, अब वो ऑलरेडी बन चुकी है एज ए मेमोरी सेल्स में स्टोर हो चुकी थी। तो सेकेंड टाइम जो पैथोजन ए आएगा तो हमारा सेकेंड रिस्पॉन्स वो करेगा और जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ही फास्ट होगी। मीन्स हमारा जो सेकेंड रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है। अगर हम अब हमने जैसे बात किया था कि ये क्या है, पहली बात तो ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, तो ये एंटीजन ए की बात थी। अगर हम एंटीजन बी की बात करें, मान लीजिए हमारे बॉडी में कोई दूसरा एंटीजन आता है, ओके नाउ मान लीजिए कोई हमारे बॉडी में दूसरा एंटीजन आया, एंटीजन बी आया। अब ये एंटीजन ए के लिए बात थी। अब जाहिर सी बात है एंटीजन ए बॉडी में आया और उसमें ये दोनों रिस्पॉन्स होगी। अब एंटीजन बी हमारे बॉडी में इंजेक्ट होगा। अब ये बी जो एंटीजन है ये तो नया है ना, इसके लिए हमारी बॉडीज ने एंटीबॉडीज अभी नहीं बनाई है, हमारे बी सेल ने एंटीबॉडीज अभी जनरेट नहीं की है, इसके लिए कोई भी मेमोरी बॉडी में नहीं है। मीन्स ये अभी नया नया है, तो ये भी क्या करेगा, सबसे पहले आएगा और हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करेगा। आप देख रहे हैं इस फिगर को, इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए स्लो रिस्पॉन्स शो कर रहा है। अगर मीन्स ये भी हमारा इसका भी प्राइमरी रिस्पॉन्स सारे स्लो होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स स्लो हुए, फिर अब ये प्राइमरी रिस्पॉन्स होने के बाद क्या बनाएगा, मेमोरी बना लेगी। जैसे ए सेल ए पैथोजन के लिए हुआ था, अगली मेमोरीज हमारी बॉडीज में सेव हो जाएगी। बॉडी में सेव होने के बाद अब आप ध्यान देंगे, अगर ये फिगर कंप्लीट नहीं है, अगर हम दूसरे रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फास्ट शो ग्राफ शो करेगा। मीन्स बहुत ही तेजी से फास्ट रिस्पॉन्स देगा। ये हमारी रिस्पॉन्स की बात होगी, इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था ये हमारी पैथोजन स्पेसिफिक होगी, मतलब अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं, जनरेट होती है और अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। अब ये हम एंटीबॉडीज मतलब लाते कैसे, बनती कैसे और ये रिएक्ट कैसे करती है, इनको देखते हैं। हमने अभी अभी पहले पढ़ा था कि बी सेल्स और टी सेल्स कैसे जनरेट होती है, हमारी स्टेम सेल से जनरेट होती है, स्टेम सेल्स के लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो हमारी बी सेल और टी सेल बनाती है, ठीक है। अब अगर हम बी सेल का स्ट्रक्चर देखें तो बी सेल के सरफेस में ये वाई स्ट्रक्चर जो एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर शो करता है, वाई स्ट्रक्चर क्यों है, इसमें दो आपके हैवी चैन होते हैं और दो लाइट चैन होते हैं, मतलब ये हमारा वाई शेप का होता है, इसमें वाई शेप का, अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। अब वाई शेप का होता है, ये देख लीजिए आप, ये हमारी बी सेल्स है, ये बी सेल्स है, ये जो सरफेस है, ये जो आपको सरफेस दिख रही है, ये हमारी सरफेस किसकी, पैथोजन की है। पैथोजन क्या है, पैथोजन बताया था आपको पहले भी, कोई बैक्टीरिया हो सकता है या कोई वायरस हो सकता है या कोई फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे बॉडी के लिए नया है। अब उसकी सरफेस पे क्या होता है, एपिटोप पाया जाता है और हमारे एंटीबॉडीज रिसेप्टर की क्या पाया जाता है, पैराटोप। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं, जैसे अब ये इस पे आके हमारा पैथोजन बाइंड होगा, ये देखिए हमारा ये पैथोजन आया और इस पे बाइंड हुआ, ये एपिटोप अपना लेके आया और हमारा एंटीबॉडीज क्या लेके आया, पैराटोप, और ये देखिए यहाँ पे बाइंड हो गए। अब आगे देखते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि हमारा ये वाई शेप का होता है, आप ध्यान दे पा रहे हैं, ये देखिए वाई शेप का है, वाई शेप का है, तो इसमें हमारी दो चैन होती है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2। अब H2L2 में क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये हैवी चैन है, H फॉर हैवी चैन और L फॉर लाइट चैन। यहां पे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये आपका हैवी चैन हो गया और ये आपका लाइट चैन हो गया, ये जो छोटी वाली चैन है ये आपका लाइट चैन है और ये जो हैवी चैन है, जो बड़ी वाली चैन है वो हैवी चैन है, ठीक है। इसीलिए अब दोनों दो दो हैं, पेयर में है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2L2। इसको हम, ये हमारी किसका स्ट्रक्चर है, ये एंटी बॉडीज का स्ट्रक्चर है। अब हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज कई सारे हो सकती हैं, जैसे कि हम याद कर सकते हैं गमले,
गम डी, मतलब एंटीबॉडीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आईजी के थ्रू, आईजीजी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई, ये सारे हमारे क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है और ये सारे हमारे एंटीबॉडीज हैं। देखिए ये कहां बॉडी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडीज में, कौन कौन सी, ए एम ई जी, ठीक है, एच टू एल टू में रिप्रेजेंट करते हैं ये एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे तो ये क्या चीज है, ये हमारा वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन क्यों है, क्योंकि यहीं पे तो आके हमारा क्या करेगा, पैथोजन बाइंड करेगा, पैथोजन बाइंड करेगा, अभी पैथोजन बाइंड करेगा तो अपने हिसाब से शेप चेंज करेगा, ये इसीलिए इस फ्रेगमेंट को क्या कह गया, वेरिएबल फ्रेगमेंट, इसीलिए इस फ्रेगमेंट को बोलते हैं हमारा फैब फ्रेगमेंट, फैब फ्रेगमेंट्स, ओके। नाउ चलिए ठीक है, फिर जैसे हमने पहले अपने वीडियो में देखा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी, अब हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो थोड़ा सा मैं अपने पहले वीडियो के बारे में वीडियो के टॉपिक्स को डिस्कस कर देता हूँ। ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिवली ही हम इम्यूनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्वायर्ड में हमने बताया कि अपने लाइफ में एक्वायर करते हैं। अगर हमारी हमारी जो बॉडी है वो एक्टिव है उस इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, हमारी खुद की बॉडी एक्टिव है, हम खुद एक्टिव हैं उस इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए, तो जाके वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगी। अब हमारी बॉडी कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, या तो हमें कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए लाइफ में, या तो हम आर्टिफिशियली पहले से इंड्यूस करके रखे वैक्सीनेशन को, वैक्सीनेशन को इसको नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी इन्वॉल्व होकर क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, और वैक्सीनेशन किया तो हमारी बॉडीज क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, सारा सब कुछ मिला के हमारी बॉडी एक्टिव है उस चीज के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी में हमारी जो बॉडी होती है वो एक्टिव नहीं होती, हमारी बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती उस एंटीबॉडीज को बनाने के लिए, हम बाहर से एंटीबॉडीज डालते हैं। अब हम आर्टिफिशियली डाल सकते हैं, जैसे कि हम एंटी सेरम में करते हैं, एंटी वेनम में करते हैं, या हम नेचुरली हमें मिल जाए। अब नेचुरली कैसे मिलेगा, जैसे बेबी है, बेबी मिल्क फील करता है, उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, मतलब फर्स्ट मिल्क ऑफ बेबी उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, बीस्ट फीडिंग के समय, बीस्ट फीडिंग के समय हमें कौन सी एंटीबॉडीज मिलती है, आईजीए एंटीबॉडीज मिलती है, मतलब ये हमें नेचुरली मिल रही है। अब हम अगर आईजीजी की बात करें, आईजीजी प्लेसेंटा नहीं, प्लेसेंटा से नहीं, प्लेसेंटा के ब्लड बैरियर को क्रॉस करके, बैरियर को क्रॉस करके, ये ब्लड बैरियर, ये ऐसा एंटीबॉडी है जो ब्लड बैरियर क्रॉस कर सकता है, बाकी नहीं कर सकती। अब ब्लड बैरियर मान लीजिए प्लेसेंटा है, ये बेबी है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा, ये पूरा वूम है, ओके, तो ये प्लेसेंटा से क्रॉस होके हमारे बेबी के अंदर आएगा, कौन कौन सी, आईजीजी, तो हमें क्या नेचुरली मिल रही है, ओके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ जैसे कि हमने एक्टिव इम्यूनिटी की अभी बात की, तो हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं, जैसे हमारी होस्ट रिस्पॉन्सिबल होती है, एंटीबॉडीज बनाती है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, पैसिव इम्यूनिटी, हमने कोलेस्ट्रॉल की बात की थी, ओके, कोलेस्ट्रॉल की बात की थी जिसमें आईजीए मिलता है, ये देखिए मिल्क फीडिंग में सबक मिलता है, और ये प्लेसेंटा की जैसे अभी बात की थी, आईजीजी बात करते हैं, आईजीजी हमारा मैक्सिमम याद रखिएगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स करता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हो करता है, ओके। सो लास्ट वैक्सीनेशन, जैसे वैक्सीनेशन हमने पहले अपने वीडियो में वर्ड देखा था, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, अब वैक्सीन हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं कि हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। अब उस वैक्सीनेशन के थ्रू हमें हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यून प्रोवाइड करेगी, तो उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनाइजेशन हो रहा है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, वैक्सीनेशन। वैक्सीन हमने वर्ड देखा था, वाका से आया था, मीन्स वाका का साइंटिफिक नेम है किसका, काउ का, कहीं ना कहीं काउ पॉक्स से था, अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये भी
ये भी वैक्सीनेशन, अब जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन हम कोई भी पैथोजन इंजेक्ट करते हैं, पैथोजन इंजेक्ट मतलब कि हम क्या पूरा पैथोजन डाल देते हैं, नहीं हम डेडली पैथोजन डालते हैं, मतलब डेडली आधा आधमरा, मतलब उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है वो, कोई हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। अब तो डालते क्यों है, अब जाहिर सी बात है जैसे कि हमें डाला डालते क्यों है, तो हम इसलिए डालते हैं, वैक्सीनेशन इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी में मेमोरी जनरेट हो जाए। आप जानते हैं जैसे बच्चों में हम टीकाकरण करवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो टीका लगवाते हैं वो करते क्या, वो वैक्सीनेशन ही तो करते हैं, हम कहीं ना कहीं हम डेडली या हम वीक पैथोजन या इनएक्टिव पैथोजन हम इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये क्या करेगी, हमारी बॉडीज धीरे धीरे मेमोरी जनरेट करना शुरू कर देती है। अब मेमोरी जनरेट करने का फायदा क्या होगा, मान लीजिए हमारे लाइफ में कभी भी कोई हमारे मान लीजिए उससे रिलेटेड कोई एंटीजन आया, तो ये मेमोरी तो जनरेट हो चुकी है, मीन्स हमारे पास सेकेंडरी रिस्पॉन्स डायरेक्ट हो सकता है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमने जानना था फास्ट रिस्पॉन्स होता है, तो हमारी बॉडी तुरंत उस चीज से लड़ना शुरू कर देगी, हमारी बॉडी के लिए वो चीज नई नहीं रहेगी, जैसे हम बचपन में टीकाकरण करवाते, यही इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं टिटनेस का, अगर हम टिटनेस की बात करते तो हमें चोट लगती है, तो टिटनेस हम टिटनेस के इंजेक्शन लगवाते हैं, वो हम वैक्सीनेशन ही कराते हैं, उसमें क्या करते हैं हम परफॉर्म एंटीबॉडीज डालते हैं और एंटी टॉक्सिक बॉडीज डालते हैं जो हमारी टिटनेस को फैलने से बचाता है। अगर हम स्नेक बाइट की बात करें, स्नेक बाइट हम स्नेक बाइट में क्या करते, मान लीजिए किसी सांप ने काट दिया, तो उसमें भी हम क्या करते हैं वैक्सीन करते हैं, कौन सा परफॉर्म, मतलब कि हम एंटीबॉडीज उसमें डालते हैं, उसको हम बोलते हैं स्नेक वेनम, वेनम इज जहर, कहीं ना कहीं वो स्नेक वेनम से ही बनता है। तो ये सारी हमें क्या प्रोवाइड करती है, पैसिव इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करती है। अगर हम लास्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, इसमें भी हम जो वैक्सीन बनाते हैं वो ईस्ट से बनाते हैं। अब ईस्ट से कैसे बनाते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, जिसको हम जेनेटिक्स चैप्टर में कंप्लीट करें। सो थैंक यू सो मच, प्लीज अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।